नमस्कार। कोई एक बीमारी से आप कितने साल तक परेशान हो सकते हैं? तो कोई लोग बोलेंगे 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल। आज हमारे पास एक ऐसे पेशेंट है जो पिछले 21 साल से परेशान है। तो चलिए, वो कौन है, उनको क्या रिजल्ट मिला है, वो पूरी जानकारी उनसे लेंगे। नमस्कार, नमस्कार। क्या नाम है आपका, सभी तरह कहाँ से हैं आप? मैं आसाम से हूँ सर। आसाम से हैं आप, जी ठीक है। एज कितना है आपका? इस 40 सर। और जब आप क्लिनिक में आए थे 30 अक्टूबर 2024 को आए थे, राइट? सर तब आपका वजन कितना था? 36.16 36.50 यहाँ पे मेंशन है। ओके, 36 पॉइंट, सिक्सटीन ठीक है, एराउंड है या सर। यहाँ पे 36.50 मेंशन, ठीक। ठीक है सर। बोलिए सविता जी, क्या आपको तकलीफ थी जिसके लिए आप क्लिनिक आए थे? मेरा ऐसे गैस का प्रॉब्लम था सर। मेरा तो गैस कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ मेरा, अरे 16 या 15 ईयर्स से मेरा स्टार्ट हो गया था। उसके बाद मेरा वो एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम आया, और बाद में मेरा वो पेट में और सीने में जलन का प्रॉब्लम आया था सर। और मेरे कॉन्स्टिपेशन होने के मतलब बहुत साल बाद मेरा लूज मोशन का स्टार्ट हुआ था पहले सर। कॉन्स्टिपेशन चालू हुआ, फिर लूज जी सर, मोशन। तो जी। सबसे पहली प्रॉब्लम क्या चालू हुई थी आपकी? सबसे पहले तो मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था सबसे सर। एकदम स्टार्टिंग में, जो 20-21 साल स्टार्टिंग में पहले, मेरा कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था। तो कॉन्स्टिपेशन में क्या होता था? कड़क मल होता था। कड़क मल होता था सर। ओके, फिर उसके बाद क्या चालू हुआ? उसके बाद मेरा एलर्जी को जो राइनाइटिस है एलर्जिक था। रेनाइटिस। जी सर, सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम तो स्टार्ट पतला हुआ। पानी निकलता था या ब्लॉक होता था? नहीं, एक या 2 महीने के बाद ही मेरा सर्दी जुकाम शुरू होता था। ठीक, तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था पतला पानी या क्या मतलब होता था आपको, है ना? ठीक है, फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मेरा वो भूख नहीं लगता है। बाद में मेरा वो लूज मसल मतलब सिकना सिकना मल ऐसे आना शुरू हो गया था और सर। फिर उसके बाद? उसके बाद मेरा धीरे धीरे करके पेट में जलन और सीने में जलन स्टार्ट हुआ सर। ओके, फिर उसके बाद? उसके बाद तो मेरा ऐसे ही पूरा प्रॉब्लम चलते रहा सर। मेरे 21 ईयर्स से मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू तो आपको जब तकलीफ चालू हुई, आपने कोई इलाज नहीं चालू किया? इलाज तो मैंने बहुत किया है सर। कहाँ गुवाहाटी कहाँ पे और क्या क्या इलाज किया आपने? में मैंने, आसाम गुवाहाटी में मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया है। आसाम में कहाँ पे किस चीज़ का इलाज किया था? आयुर्वेद, नहीं, एलोपैथी? पहले मैंने ऐसे मेडिसिन डॉक्टर को दिखाया था, और ढेर सारा मतलब ये सब अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब पूरा मतलब ये किया था सर। लेकिन उसमें भी रिपोर्ट नॉर्मल आया। ओके, और बाद में मैंने चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में गया था। वहाँ पे भी मेरा वो एंड्रोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, पेट का सीटी स्कैन, चेस्ट का सीटी स्कैन, ये सब हो गया। चेन्नई अपोलो में आप कब और कितनी बार गए थे? चेन्नई अपोलो में मैंने, मेरा जब 21 ईयर्स था सर, तब से, एज आपका 21 था। जी जी सर, तब से लेकर मैंने शायद 2-3 साल वहाँ पे मैंने गया। टोटल 9 बार हुआ। 3 साल में आप टोटल 9 बार वहाँ पर गए जी चेन्नई के सर, अपोलो जी में। सर। तो उन्होंने क्या बोला आपके बीमारी के बारे में, कुछ उन्होंने बोला? बोला है कि पहले तो मैं मेडिसिन मास्टर हेल्थ चेकअप किया था वहाँ पे, बाद में वो गेस्ट्रोनोलॉजी डिपार्टमेंट में बाद में रेफर कर दिया। फिर मेरा एंड्रोस्कोपी हुआ पहले, उसके बाद क्लोनोस्कोपी हुआ, उसके बाद पेट का सीटी स्कैन हुआ, और बाद में चेस्ट का। जब मैंने डॉक्टर को बोला है मेरा सर्दी जुकाम का प्रॉब्लम है, इसीलिए डॉक्टर ने बोला है एक बार सीटी स्कैन करके देखो, ओके, कुछ हो सकता है मतलब ये हार्ट का भी कोई इशू हो सकता है, इसलिए चेस्ट का भी सीटी स्कैन किया। लेकिन सारा रिपोर्ट नॉर्मल आया। लेकिन क्लोनोस्कोपी में मेरा वो जो ये म्यूकस कोलाइटिस का प्रॉब्लम निकला, और ऐसे 3 महीने का मेडिसिन लिया। वो मेडिसिन लेने के बाद भी ऐसा ही प्रॉब्लम, जैसा प्रॉब्लम ऐसा ही था सर। मैंने और 3 महीना बाद और बुलाया, फिर मैंने गया वहाँ पे, जाने के बाद भी और मेडिसिन दिया, उसके बाद भी ऐसा ही सेम प्रॉब्लम जैसा था ऐसा ही था सर। ठीक है। बाद में और मैंने गया, उसके फिर बाद 3 साल अपोलो में आपको रिजल्ट नहीं मिला नहीं चेन्नई में, मिला फिर क्या किया सर। उसके बाद आपने? फिर वहाँ पे लास्ट टाइम मैंने जब गया था वहाँ पर, मुझे बोला है कि आपका ये मेंटेलिटी इफेक्ट है, ऐसे ओके, बोला है सर। कि आप मानसिक पेशेंट हैं जी इसलिए। सर, हाँ,
इसलिए मैंने छोड़ दिया है पोलो का, मतलब ये छोड़ दिया है। बाद में मैंने गूगल पे मतलब ये ढूंढा है, कहा अच्छा एलोपैथी में तो कुछ होगा ही नहीं, इसलिए मैंने आयुर्वेदिक का कहा। तो 3 साल जब आप बीमार हुए आपने चालू किया, इसके बाद एलोपैथी छोड़ के आपने आयुर्वेद चालू किया। आयुर्वेद चालू तो कहाँ कहाँ आपने आयुर्वेद? मैंने गूगल पे सर्च किया इंडिया का बेस्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर कौन है, तो एक डॉक्टर का नाम मिला था, डॉक्टर विक्रम चौहान, ओके, चंडीगढ़ का है। हाँ, वहाँ पे मैंने गया, वहाँ पे वहाँ से भी मैंने 15 महीने का दवा मेडिसिन लिया था। ठीक, वो मेडिसिन लेने के बाद भी सेम प्रॉब्लम ऐसा ही था, और बाद में मेरा वो उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया? नहीं सर, कारण कुछ नहीं बताया, ऐसे मेडिसिन उन्होंने दिया था। ओके, पहले तो 2 मंथ का मेडिसिन दिया था, बाद में और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर करके लिया था। वो मेडिसिन लेने के बाद लास्ट मेरा ये आर्टिकेरिया का जो ऐसे ये मतलब क्या बोलता है उसको, आर्टिके खुजली होती थी, आर्टी के लिए शीत पित्त, जी सर, वो लाल लाल निशान या चकत्ता होता था। हाँ सर, वो प्रॉब्लम आ गया। हाँ, बाद में मैंने 15 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद वो मेडिसिन भी मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैंने बाबा रामदेव का जो योग ग्राम है हरिद्वार में, मैं वहाँ गया, पतंजलि योग ग्राम नेचुरोपैथ के लिए, तो वहाँ पे भी मैंने ट्रीटमेंट किया है। 20 डेज वहाँ पर रहा सर। जब वहाँ पे था तब थोड़ा सा आराम मिलने लगा था, लेकिन इतना दिन तो रुक नहीं सकती हूँ। कितने दिन थे फिर आप वहाँ? 20 डेज। 20 डेज रुके थे सर। फिर बाद में फिर मैंने घर आया, घर में तो ऐसा ये नहीं मिलता है वहाँ के जैसा, ओनली डाइट का मैंने ध्यान रखा था, बाकी सारा तो फैसिलिटी घर में नहीं रहता है। तो बाद में और मैंने भोपाल में किया था सर, वहाँ पे वहाँ पर भी नेचुरोपैथी के लिए गया। ओके, वहाँ नेचुरोपैथी जी, वहाँ पर थोड़ा ये प्राइस भी कम था, हरिद्वार में थोड़ा महंगा भी पड़ा। तो भोपाल में भी मैंने 1 महीना रहा सर, वहाँ पर भी ऐसा कोई फ़ायदा नहीं मिला। वहाँ पे मैंने ऐसे नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेद भी किया था सर, लेकिन आयुर्वेद से थोड़ा सा मुझे इम्प्रूव मिलने लगा था। वो डॉक्टर ने मुझे नाभि बस्ती और ऐसे काढ़े का बस्ती किया था, उसी से मुझे थोड़ा सा आराम मिलने लगा था। लेकिन नाभि बस्ती मुझे 40 डेज दिया था, मैंने घर पे आके लिया था, फिर इतना आराम मुझे नहीं मिला था, थोड़ा सा आराम मिला था। बाद में मैंने वो ये क्या है, श्री श्री आयुर्वेदा हॉस्पिटल, वहाँ पे मैंने गया था। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, शायद ठीक हो जाऊँगे, वही सोच कर मैंने वहाँ पे गया था। वहाँ जाने के बाद वहाँ डॉक्टर ने बोला है कि आपका बात का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए मुझे बस्ती दिया था, और बस्ती दिया था 1 दिन काढ़े का बस्ती, 1 दिन तेल का बस्ती दिया था, 8 दिन दिया था, और मेडिसिन भी दिया था इसे 2-3 महीने का दिया था। वो लेने के बाद भी मेरा इम्प्रूव कुछ भी इम्प्रूव नहीं हुआ सर। किसी ने कोई कारण नहीं बताया क्यों नहीं हो रहा? बेंगलोर में तो बोला था सर मेरा बात का प्रॉब्लम है, मतलब वायु का प्रॉब्लम है। ओके, और बाकी तो जब मैंने अपोलो में गया था वहाँ पर भी इतना ये सब करने के बाद भी ऐसे, तो एंडोस्कोपी जब किया था तब ऐसे स्टोमक में गैस का प्रॉब्लम दिखाया था, और क्लोनोस्कोपी में वो म्यूकस कोलाइटिस का प्रॉब्लम आया था। वो अभी ठीक हो गया है सर, म्यूकस कोलाइटिस का प्रॉब्लम, लेकिन वो जो पेट में जो गैस का प्रॉब्लम होता है और लैटिन टेंडेंसी होता है और एलर्जिक राइनाइटिस का प्रॉब्लम, सीने में जलन, पेट का जलन, ये सब ठीक नहीं हुआ। ओके, इतना ट्रीटमेंट लेने के बाद भी फिर मैंने मतलब यूट्यूब में आपका वीडियो देखा था, 2019 से देख रही थी, लेकिन मेरा विश्वास नहीं हो रहा था। इतना सारा मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया है, इतना बड़ा हॉस्पिटल में भी जा चुकी हूँ मैं, फिर भी अच्छा नहीं हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर भी आने के लिए थोड़ा डर लग रहा था। बाद में मैंने एक लड़की का वीडियो देखा था, दिल्ली का है वो, उनका भी दिल्ली के पेशेंट का आपने फीडबैक देखा था, उनका वीडियो देख के मुझे विश्वास हुआ, और बाद में मैंने यहाँ पर आया। ठीक है।
सो आप इतने साल से परेशान थे, आप मेरे क्लिनिक आए थे 30 अक्टूबर 2024 को, है ना? जी सर। जब आप आए थे तो सबसे बड़ी आपकी तकलीफ थी एलर्जी, मुंह और नाक से कफ निकलता जी था, सर। तालू में खुजली, जी सर। गर्दन के यहाँ पे दर्द, डर छींक, जी एसी में रहने से बुखार, जी पेट में जलन, लैट्रिन के यहाँ पे जलन जी सर। और यूरिन, हर एक जगह पे आपको जलन होता था, राइट? जी तो हमने आपको 7 दिन की दवा दी थी और उसके सर। बाद आपको घृतपान कराया था जी सर। और घृतपान करा के वमन कराया था, जी सर। है ना? मैंने आपको मेरा डायग्नोसिस बोला था कि ये कफ प्रधान वात के कारण क्षय हुआ है, बॉडी सूखी है, जी तो सर। इसलिए हम पहले वमन में गए थे। जी सर। तो जो अब आपने वमन किया, जी सर। इनका फीडबैक लेने के पीछे कि ये मतलब क्यों हम ले रहे हैं, क्योंकि कई लोगों को जो डर लगता है कि मेरा पतला शरीर है, वमन कैसे होगा, तो इनका, आपका एज कितना है 40 इयर्स और है। वेट था आपका 36.50, जी है ना, सर। जब आप आए थे, और हाइट 5.3, जी सर। तो एज उल्टा ज़्यादा है और वज़न कम है, ऐसा था। जी सर। तो फिर जब आपको वमन कराया, तो वो वमन के टाइम पे आपको क्या-क्या हुआ और वमन होने के बाद कैसा फील हुआ? बवन के टाइम पे पहले तो मतलब आपने 7 दिन दवा लिया, तब जी कैसा सर, था? तब तो मुझे थोड़ा आराम मिलने लगा था और जलन धीरे धीरे कम हो रहा था और भूख भी, मेरा तो बिल्कुल भूख नहीं लगती थी सर, भूख भी थोड़ा धीरे धीरे सात खुलने दिन की दवा लगा से थोड़ा थोड़ा भूख लगने लगी जी सर, और जलन, जलन भी थोड़ा कम हो रहा था सर। सर्दी, छींक भी, हाँ वो भी कम हो सब रहा चीज़ें था थोड़ा थोड़ा कम होने जी लगी। सर। जी फिर वमन के टाइम पे क्या क्या हुआ, याद है कुछ? भगवान के टाइम पे जब मैंने कीर्तन कर रही थी 11 तारीख का किया आपका वमन, राइट? 12 सर। ओके, 12 नवंबर को आपका वमन, जी कल सर। वमन किया था, जी सर। तो फिर क्या था उसका एक्सपीरियंस, क्या हुआ उस टाइम पे भगवान का या कीर्तन कर रही वमन थी, के टाइम पे? भगवान के टाइम पे तो ऐसे मुझे कोई वीकनेस नहीं लगा था सर, जब उल्टी हो रही थी तो कैसा निकला वो पूरा मतलब स्मूथली निकल आ रहा था वमन? अच्छे से हुआ उस टाइम पे, एकदम पूरा आपको जलन हुआ, खट्टा कड़वा जलन, पानी, मतलब वो ये येलो कैसे, पीला कलर? हाँ येलो टाइप का ये निकला था सर। इनको जब हम वमन करा रहे थे तो पूरा येलोइश, ऐसे पूरा हल्दी में घुला हुआ पानी, वैसा आपको वमन हो जी सर। हुआ, राइट? और बहुत सारा कफ भी निकला, जी सर। ठीक है, और लगभग 1-1.5 घंटे तक आपका वो हुआ, है ना, नाक से कफ निकला, मुंह से निकला। तो वमन होने के बाद फिर कैसा है आपका एक्सपीरियंस था? हाँ बवन होने के बाद पूरा हल्का लग रहा है सर शरीर, हाँ, ऐसा लगता है अभी कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, मतलब 50% तो मुझे इम्प्रूव लग रहा है। वमन से 50% जी आराम सर। लगता है। तो अभी हम फिर से उन तकलीफों पे आते हैं। सबसे बड़ी आपकी तकलीफ थी सीने की जलन, जी सर, अभी वो सीने की जलन और कैसी पेट है? का जलन हाँ, सर। पेट का जलन कैसा है? नहीं सर, कल तो बिल्कुल नहीं था सर, लेकिन आज थोड़ा सा मतलब हल्का फुल्का जलन ऐसे पेट में, कभी पेट में, सीने में तो इतना हुआ नहीं सर, नहीं लेकिन हुआ, पेट में थोड़ा सा हल्का फुल्का जलन ठीक हुआ। है। यूरिन का, यूरिन में तो जलन नहीं है सर, मोशन लेकिन में, मोशन आज सुबह हो गया, ओके, लेकिन जलन नहीं है सर, नहीं लेकिन हुआ, उसके मोशन में मतलब ये थोड़ा सा कफ निकला है हल्का सर। सा कफ निकला, जी सर। गले और नाक में जो सर्दी होती थी वो, नहीं सर्दी तो नहीं है, नहीं आ रहा, तालू के यहाँ पे जो जलन तालू होता था, में खुजली होता था, खुजले, हाँ आज थोड़ा सा खुजले हुआ था सर। खुजली था, ठीक है। सुबह उठते ही आप, हाँ, सुबह 3 से 9 आपको तकलीफ बहुत होती थी, जी सर। राइट? अभी कैसा है? नहीं आज तो मैं इतना, जब से मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया सर, तब से तो वो जो पानी जो नाक नाक से पतला पानी गिरना और मुंह से बेल मतलब कफ आना, वो प्रॉब्लम तो इतना नहीं है सर, अभी तो बिल्कुल है नहीं सर। और एसी में रहने से बुखार होता था, अभी आप एसी में बैठे हो, नहीं राइट? बट वो टॉलरेट कर पा रहे हो या तकलीफ हो रही है? नहीं सर, टॉलरेट आपको हो रहा है, कोई हाँ इश्यूज हो नहीं है, रहा राइट? गर्दन का दर्द कैसा है? नहीं है सर। ठीक। सो इनके केस में तो हमने जस्ट मतलब ये आए थे आसाम से और 21 साल से परेशान थे, तो ये मुंबई बोले कि यहीं पे घृतपान करेंगे। इन्हें हमने 7 दिन पहले दवा दी, फिर घी पिला के इनको हमने वमन कराया, ताकि अगर इनका कफ नहीं निकलता तो नरिशमेंट का कोई फ़ायदा नहीं था। अब 5 दिन बाद हम इनको बस्ती किट देंगे, क्योंकि ये घर जाने वाले हैं, और इनको हमने कंटिन्यू 3 से 5 साल आपको बस्ती करने बोला है, राइट? कि बस्ती घर पे करते रहना है। नहीं सर, अभी तक तो बोला नहीं सर। आपको फिर कंटिन्यू बस्ती का प्रैक्टिस अपन रखेंगे, और जब फ्यूचर में आपको टाइम मिलेगा तो क्लिनिक में हम बड़ी बस्ती करेंगे, है ना?
बस्ती से अपन ये करेंगे कि जो आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है वो वात को हम निकालते जाएंगे। तो जो आपकी प्रॉब्लम शुरू हुई थी पेट से कॉन्स्टिपेशन हो के फिर आपको आया था, अपान वायु खराब हो के फिर आपको प्रतिष्ठा राइनाइटिस ये सब हुआ था, तो फिर बस्ती कर करके हम पूरा वो निकाल देंगे। इनका फीडबैक लेने के पीछे यही एक गोल है कि बहुत सारे लोग आयुर्वेद के नाम से डरते हैं, बहुत सारे लोगों को डराया जाता है कि आयुर्वेद से किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, आप ख़त्म हो जाओगे। और कई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी डरा देते हैं कि आप बहुत दुबले हो, पतले हो, कमज़ोर हो, वमन नहीं कर सकते। अभी आपका इनका हमने वमन किया है नवंबर में, 12 नवंबर 2024 को, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं नवंबर में नहीं, वो तो मार्च में ही हो सकता है। बट डॉक्टर्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब व्यक्ति बीमार है तो बीमार व्यक्ति का शोधन किसी भी मौसम में किया जा सकता है, स्वस्थ व्यक्ति का जो शोधन है वो ऋतु अनुसार हेल्थी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए किया जाता है। ठीक है, सो लास्ट कमेंट सविता जी, ओवरऑल आपने लगभग 30 तारीख से लगभग दवा आपने लेना चालू किया, लगभग 13-14 दिन हुए हैं आपको, तो इन 13-14 दिनों में क्या है एक्सपीरियंस आयुर्वेद को लेके, कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ा है या सब वैसे ही लगता है? सर कॉन्फिडेंस बढ़ा है मुझे तो इस बार 100% कॉन्फिडेंस से मैं 100% ठीक हो जाऊंगी। मेरा बीमारी ठीक होने में टाइम लगेगा सही, लेकिन मैं ठीक तो 100% हो जाऊंगी सर। फाइनली आपको कॉन्फिडेंस आया है, जो आप 21 साल से घूम के वो गए थे। एनर्जी लेवल कैसा है? बहुत बढ़िया है सर। अभी कि इतना कल वमन किया था फिर भी आप कोई थके वके थे? नहीं सर, नहीं सर। कमजोरी, थकान, नहीं सर। चक्कर? नहीं सर। सिर दर्द? नहीं सर, सिर दर्द तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन सुबह थोड़ा सा मतलब ये शक्कर आया था, लेकिन ज्यादा नहीं है। कितनी देर के लिए? थोड़े जब मैं बिस्तर से उठती हूँ ना सर, सो के तुरंत अगर उठ के बैठते हो तो थोड़ी देर वो फील, थोड़ी देर के लिए होता है ठीक, लेकिन इतना ही नहीं हुआ सर। गुड। और आपके फेस पे अभी ग्लो भी बढ़ गया है ना, घृतपान करके आपने वमन किया था तो। जी सर। ठीक चलेगा। तो ये थे सविता जी, इनका फीडबैक लेने के पीछे बस जैसे मैंने पहले बोला कि दुबले से दुबले, पतले से पतले पेशेंट का भी अगर अग्नि अच्छा किया जाए, बल अच्छा किया जाए, तो उनका शोधन हो सकता है। और जब अगर आप कफ का प्रॉपर शोधन कर देते हो तो अग्नि खुल जाती है और फिर वहाँ से वेट गेन की जर्नी या नरिशमेंट की जर्नी चालू होती है। सो धन्यवाद सविता जी फीडबैक देने के लिए, और हम ऐसे ही कॉन्टैक्ट में रहेंगे।